अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूं। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है, मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना, आप शहीद होने के बावजूद सुन ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है? सुन तो लीजिए ना, ना ना ना, आप अखबार अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग भी लाए हैं, अखबार आरएसएस से निकलता है, कौन चलेंगे साथ? देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ, आप बतौलेबाजी कर रहे हैं, बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए, बताइए, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया। अच्छा, है एक बात। अच्छा, दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया? ये आपके घर, मेरे घर में क्या होता है? देखिए, आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर क्या घूम रहे हैं? आपके घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? देखिए, मोदी मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मोदी मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मोदी मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट सम्बित जी, मैं आपको ऐसे बात से ऐसे नहीं होगा, रोज रोज 9 बजे जाते हैं और भाव भाव करके चले जाते हैं, क्या होता है? ये गलत बात है, आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये भाव भाव से आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, सुनिए, समाज में ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए, जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के, तब बोलिए ना, इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए ओएनजीसी के डायरेक्टर, आपके आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? 10 मैं आपसे पूछ रहा हूं, दंतेवाड़ा में 76 कि मुख्यमंत्री गुजरात जवान शहीद हुए कार्यक्रम से, शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब आपके पास नहीं है? शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना, मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं, नकली न्यूज के आधार पे ये मुझे एनसीआर में बोल रहे हैं, ये वही व्यक्ति है ना अफजल गुरु, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात, आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था, साइकिल पे बैठ के, हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप है, मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप है, मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, आप देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे, आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बनानी है, आपके पिता तो चाइना में है, देखिए किसी और को बोलिए, देखिए देखिए देखिए, ये सब भाषा मत बोलिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से, आपके पापा हैं, ये तो यही बात आप बोल रहे हैं, किस प्रकार की बोल रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए, आपकी उम्र, राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, नौजवान कौन सा नौजवान, जोश में ये जेएनयू में आपको सपोर्ट करिए, कोई चिंता नहीं करेंगे, अगर सर जी इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं, उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको, मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूँ मैं बकवास कर रहा हूँ, आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका आपका विषय वही है, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप कौन से रेबी प्राजोल खाना, आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आपको डिप्लोमेट है, आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबी प्रोविजन के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया, मुझे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए, मैं शांति से बैठूं, अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, उसके गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये बस बता, आप चुप कहानी मत सुनाइए, सुनिए ये बता दीजिए, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले, आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए, मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे, शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए, अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे, मैं मुंह से ही बोलता हूं,
मैं मुंह से ही बोलता हूं भैया, गांधी को मानते हैं कन्हैया जी, कन्हैया जी ये बाइनरी नहीं है, बोलता हूं और मुझे बोलने दीजिए, आप कहानी मत, मैं गांधी को मानते हैं कि गॉड से, कन्हैया जी संबित जी बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गॉड से को, फिर वो बोलेंगे कि आप भारत माता की जय, वही हिंदुस्तान से गलत तथ्य, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, रेवड़ी बट रहा है यहां पे 15 मिनट, किस प्रकार की भाषा है, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये सवाल मैं आपसे, किशोर जी इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय, इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम बोलेंगे, इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है, ये चाइना के मैं भारत का ये फर्क है, चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी अगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी, बस हो गया, बैठ जाइए, आप बोलिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं, इस सवाल का जवाब भैया मैं बता दूं, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, इस सवाल का जवाब दीजिए, आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को, हम लेनिन को मानते हैं, स्टालिन मुर्दाबाद, आप बोलिए, लेनिन मुर्दाबाद दीजिए, गांधी जिंदाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, सवाल का जवाब दीजिए ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप गांधी को मानते हैं, स्टालिन मुर्दाबाद भैया, देश को बताइए, आप देश को बताइए, कहानी मत सुनाइए, अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद, हम अफजल गुरु को नहीं मानते हैं, आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद बोल दीजिए, सुनिए ना, बोलिए ना कश्मीर जिंदाबाद, बोलिए, ये क्या होता है, मंत्री पद मिल जाएगा, आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा, बोलिए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं, सवाल का जवाब इस प्रकार का, देखिए सवाल नहीं, आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, गांधी मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती कोर्ट ने इससे शुरू किया, गोडसे को मानते हैं कि गांधी कहा कन्हैया, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, भैया चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, काबिलियत को भरोसा नहीं है, 4 करोड़ लेते हो, चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं देश के अंदर, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, देखिए विचार और लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन क्या इस भारत माता की जय बोल दीजिए, मैं ये कह रहा हूं भारत माता की जय बोल दीजिए, मैं हमेशा भारत की माता की जय बोलता हूं, बोलिए फिर से बोल दीजिए, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, बोल दीजिए भारत माता की जय, हम बोल देंगे गांधी की गोद से, नहीं भारत माता की, गांधी की गोद से, भारत माता की जय बोल दीजिए, गांधी की गोद से, भारत माता की, गांधी की गोद से, भारत माता की जय, गांधी की गोद से, भारत माता की जय, देश की जनता को बता दीजिए, बताइए कश्मीर हमारा है, बता दीजिए, बिल्कुल हमारा है, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए क्या, पाकिस्तान बदमाश है, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश, बता दीजिए, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, बताइए ना पाकिस्तान बदमाश है, बताइए बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए ना, बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, बोलिए संबित जी, संबित जी बोलिए, संबित जी बोलिए तो जरा, देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोले, अच्छा राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं, नहीं बोलूंगा, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले, नहीं बोलूंगा, तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं बोलूंगा, प्रधानमंत्री, देखिए इस प्रकार डिबेट नहीं होता है, मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार दीजिए, इस प्रकार बने हैं भाई, डायरेक्टर ही बनाओ ना चाइना का, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे बने हैं, सुनिए कैसे मोदी मोदी करे, रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, भारत माता की, भारत माता की जय, गांधी बापू जिंदाबाद की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी बापू मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, कम्युनिज्म मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गोडसे, अरे गोडसे गांधी हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, धन्यवाद 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 संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद, चापलूसी करते रहे, कम्युनिस्ट लोग।